हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी ना बहुत ही सॉफ्ट एंड मुलायम होने वाली है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो एक बड़े से बाउल में मैंने 4 बड़ा चम्मच मैदा लिया हुआ है। आप मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे उसी चम्मच से 2 बड़ा चम्मच दही, फेटा हुआ दही है ये। और इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच मंगरेल, इसे कलौंजी भी बोलते हैं, और 1/2 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच नमक, और ये 1 चम्मच कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे, और 1 चम्मच अजवाइन। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 उबले हुए आलू को ऐसे नंगा कर लेंगे और इस पर घसीट देंगे। इसके डालने के फायदे ये है ना कि जो हम बना रहे हैं रोटी, वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होगा। जिसके मुँह में दांत नहीं होगा ना, वो भी खा लेगा इसे, इतना सॉफ्ट ये होता है। तो चलिए, दोनों आलूओं को मैंने इस तरीके से घसीट लिया है, और इसमें जो आलू लगे हुए हैं ना, आलूओं का एक एक कतरा हम इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है, हम थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना चाहते। तो 4 चम्मच हम इसमें रिफाइंड तेल डाल रहे हैं, नॉर्मल से खाने वाला चम्मच है ये। अब इसे मिक्स करेंगे, तो पहले मैंने चम्मच से मिक्स किया है, अब चम्मच हटा देते हैं क्योंकि चम्मच से आटा बनेगा नहीं, हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। तो अब हाथों से इसे इकट्ठा कर लेंगे आटे को। तो यहाँ पर तो इतना सा ही में आटा लग गया है, इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो मैंने इसमें दूध नहीं डाला है। अगर आप बना रहे हैं आटा तो उसमें अगर सूखा बच रहा है तो आप उसमें दूध या थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाथों में तेल लगा के आटे को चिकना कर दिया है, और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ेंगे। तो चलिए, 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे अब बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सूखा मैदा ले रही हूँ, और जो हमने डो तैयार करके रखा था उस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा इस तरीके से छिड़केंगे, और इस तरीके से मसल लेंगे हल्का सा आटे को, और थोड़ा और मैदा इसमें लगाएंगे, और इसका छोटा छोटा लोई बना के तैयार करेंगे, मतलब पेड़ा बना के इसका तैयार करेंगे। तो इस तरीके से चिकना हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम सारे आटे को पेड़ा बना लेते हैं इसी तरीके से। तो हाथों में जब चिपचिपा लगे तो थोड़ा मैदा डस्ट कर ले इस पर और बना ले। तो चलिए, सारे पेड़े हमने बना लिए हैं। अब इससे नान या रोटी जो भी कह लो वो अब बनाते हैं। तो फिर से हम सूखे आटे में इसे डस्ट करेंगे, मतलब लगाएंगे इसे, और इस तरीके से हम बेल लेंगे। तो ये ज़्यादा पतला नहीं होता है, हल्का मोटा ही रहेगा। बिल्कुल इस तरीके से हमने एक रोटी बेल लिया है। अब इसे हम सेक लेते हैं, पका लेते हैं। तो एक तरफ से ये पक चुका है, मैंने दूसरी तरफ पलट दिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर। तो इस तरीके से हमने बटर लगा दिया है, अब दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं बटर को, और अच्छे से इसे सेक के इस तरीके से दबाते हुए सेक लेंगे। तो बढ़िया सा इसमें कलर आ चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये सॉफ्ट बनके तैयार होता है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम दूसरी रोटी को बेलेंगे, दूसरा रोटी हम बना लेते हैं। अब तो उसी तरीके से हम सूखा आटा लगाएंगे और इसे रोटी के शेप में बना लेंगे। अब इसे भी सेक लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे भी सेक लेते हैं। तो एक तरफ हो गया है, इसे भी दूसरी तरफ पलट देंगे और बटर लगाएंगे। तो चलिए, इस तरफ बटर लग चुका है, अब दूसरी तरफ भी लगा देते हैं। तो इस तरफ भी अच्छे से पक चुका है, मैं इस तरफ भी बटर लगा देती हूँ अच्छे से, और इस तरीके से दबाते हुए इसे अच्छे से पका लेंगे। बहुत ही अच्छा ये नरम बनता है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, मैंने यहाँ पर सारे पेड़े से रोटी बना के तैयार कर लिए हैं। इसे हम आलू नान बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आलू पड़ा है, मैदे से बना है, तो इसको आलू नान कह सकते हैं। तो आप देख ही सकते हो बहुत ही बढ़िया ये सॉफ्ट एंड मुलायम बनके तैयार है। तो आप इसे कोई सा भी पनीर की सब्ज़ी बनाइए या फिर चिकन की सब्ज़ी, उसके साथ इसे बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।